हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष एंड यू आर वाचिंग एलिट मनीष सर की क्लासेस। फ्रेंड्स, टुडे वील डिस्कस विलियम ब्लेक्स पोयम लंदन। ये पोयम ब्लेक के सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस के अंदर 1794 में पब्लिश हुई थी। दोस्तों, लंदन नाम की इस पोयम में टोटल मिलाकर 16 लाइंस हैं। पोयम फोर क्वाट्रेन्स अर्थात चार चार लाइन की चार चौपाइयों में बटी है। दोस्तों, द राइम स्कीम ऑफ ईच क्वाट्रेन इज ए बी ए बी। पोयम मुख्य रूप से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नेगेटिव इफेक्ट को दिखाती है। दोस्तों, इट्स मेन थीम्स आर लैक ऑफ फ्रीडम एंड ऑपरेशन ऑफ अर्बन लाइफ। चलिए अब इस पोयम को लाइन टू लाइन समझते हैं। दोस्तों, आई वांडर थ्रू ई चार्टर्ड स्ट्रीट। विलियम ब्लेक कहते हैं, मैं लंदन की प्रत्येक चार्टर्ड स्ट्रीट से होकर गुजरता हूं। चार्टर्ड हियर मींस सुविधा प्राप्त या ऑफ स्पेशल टाइप, अर्थात कवि लंदन की हर खासम खास गली से होकर गुजरते हैं। दोस्तों, नियर वेयर द चार्टर्ड टेम्स डज फ्लो, वो उस रास्ते से भी गुजरते हैं जिसके पास से लंदन की फेमस अर्थात खासम खास नदी टेम्स होकर बहती है। इन चमकती दमकती गलियों और साफ सुथरी नदी के आसपास निवास करने वाले लोगों का हाल बताते हुए विलियम ब्लेक आगे लिखते हैं, एंड मार्क इन एवरी फेस आई मीट मार्क्स ऑफ वीकनेस एंड मार्क्स ऑफ वो। अपनी यात्रा के दौरान लंदन के जिन लोगों से भी मैं मिलता हूं, उनके चेहरे को मैं मार्क अर्थात नोटिस करता हूं या फिर गौर से देखता हूं, और गौर से देखने पर इस तड़क भड़क वाले लंदन के लोगों के चेहरे पर मुझे वो मार्क्स दिखाई देते हैं अर्थात ऐसे निशान दिखाई देते हैं जो लंदन की सही हकीकत बयां करते हैं। उन सभी के चेहरों पर मुझे मार्क्स ऑफ वीकनेस कमजोरी के निशान और मार्क्स ऑफ वो दुख के निशान साफ साफ दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वार्टरेन इज इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, इन एवरी इन्फेंट्स क्राई ऑफ फियर, इन एवरी वॉइस इन एवरी पेन द माइंड फॉज्ड मैनिकल्स आई हियर। प्रत्येक आदमी की क्राई में अर्थात चीख में, प्रत्येक छोटे बच्चे की डर वाली चीख में, लंदन के हर व्यक्ति की आवाज में और लंदन में लगने वाले हर बैन अर्थात रेस्ट्रिक्शंस और रोक टोक या फिर प्रतिबंध में, हाँ इन चारों चीजों में ही, क्राई ऑफ एवरी मैन में, इन्फेंट्स क्राई ऑफ फियर में, एवरी वॉइस में और एवरी बैन में, इन चारों चीजों में ही मुझे माइंड फॉज्ड मैनिकल्स सुनाई देती हैं। माइंड फॉज्ड मैनिकल्स इस पोयम का सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेज है। दोस्तों, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। माइंड फॉज्ड मैनिकल्स का मतलब वो मैनिकल्स अर्थात जंजीरे हैं जो माइंड द्वारा लोगों के माइंड के साथ जालसाजी करने के लिए तैयार की जाती है। अर्थात विलियम ब्लेक कहना चाहते हैं कि लंदन को चलाने वाले लोगों ने आम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसे ऐसे नियम लागू किए हैं जो लंदन को बाहर से तो बहुत सुंदर दिखाते हैं, लेकिन लंदन के हर इंसान को मैनिकल्स जंजीरों में जकड़े हुए हैं। वो बेचारे खुल के सांस भी नहीं ले पाते और बहुत घुटन महसूस करते हैं। नेक्स्ट क्वार्टरेन इज हाउ द चिमनी स्वीपर्स क्राई, कैसे चिमनी साफ करने वाले बच्चे रो रहे हैं। एवरी ब्लैकनिंग चर्च अपेल्स, भ्रष्टाचार के कारण लगातार काली पड़ती जा रही लंदन की हर चर्च इन चिमनी स्वीपर बच्चों को मानसिक आघात पहुंचाती है। अर्थात भ्रष्टाचारी चर्च ही इन बच्चों की इस मिजरेबल कंडीशन के लिए जिम्मेदार है। एंड द हेपलेस सोल्जर्स साय, और लंदन के वो हेपलेस यानी कि इनोसेंट मासूम सिपाही जिनकी मौत बेवजह ही हो गई, मरते समय पर उनकी सिसकियां
या आहें जो है वो लंदन अथॉरिटीज अर्थात लंदन के अधिकारी लोगों को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर पाई। रन्स इन ब्लड डाउन पैलेस वॉल्स, खून से उत्पन्न वो सिपाहियों की आहें पैलेस वॉल्स बड़े अधिकारियों की दीवारों से टकराई जरूर लेकिन नीचे गिरकर बह भी गई। अर्थात सिपाहियों ने इतना बड़ा बलिदान कर दिया लेकिन लंदन को चलाने वाले बड़े बड़े लोगों के कानों में जू भी नहीं रहेंगी। चलिए अब इस पोएम की लास्ट क्वार्टरिन पर आ जाते हैं दोस्तों। बट मोस्ट थ्रू मिड नाइट स्ट्रीट आई हियर, लेकिन वो आवाज जो लंदन की गलियों में मैं मध्य रात्रि को सुनता हूं वो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है। हाउ द यूथफुल हेरलॉर्ड्स कर्स, यानी कि जवान लड़कियां जिन्हें प्रोस्टिट्यूट बनना पड़ गया है कैसे अपने हालातों को कर्स करती हुई सुनाई देती है। ब्लास्ट द न्यू बॉर्न इन्फेंट्स ईयर, और उनकी अपने को कर्स करती हुई चीखों को सुनकर उनके इन्फेंट्स यानी कि न्यू बॉर्न बेबीज भी जोर जोर से रोने लगते हैं। और ये सारी चीजें दिल को झकझोर देने वाली होती हैं। एंड ब्लाइट्स विद प्लेग द मैरिज हियर्स, हियर्स हियर मीन्स व्हीकल, वाहन। यहां पर उस गाड़ी की बात की गई है दोस्तों जो कि मैरिज व्हीकल है और जिसे हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही खींचना पड़ता है। वैवाहिक गाड़ी भी इन प्लेक्स यानी कि बुरी चीजों की वजह से, प्रोस्टिट्यूशन की वजह से, रोते बिलखते बच्चों की वजह से ब्लाइट अर्थात डैमेज हो गई है दोस्तों। दूसरे शब्दों में विलियम ब्लेक ये कहना चाहते हैं दोस्तों कि प्रोस्टिट्यूशन वाले प्रोफेशन की वजह से लंदन में एक के बाद एक डिवोर्स केसेस देखने को मिलते हैं। विद दिस आई एंड टुडेज क्लास फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।